दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि चैंप कैश का चैलेंज आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, चैलेंज को कंप्लीट करने के क्या क्या फायदे हैं और आपको चैलेंज कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा, आप किन सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे और आप चैलेंज के वक्त आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं और क्या चीजें यूज नहीं कर सकते, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे ही चैंप कैश का चैलेंज आएगा, यहां पर आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिए होंगे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। इस स्क्रीन पर आपको एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने चैलेंज आ जाएगा और एक ऑडियो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। उस ऑडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसके अंदर जितने भी निर्देश दिए होंगे उन सभी निर्देशों का पालन करना है। देखिए सबसे ऊपर यहां पर आपकी रेफर आईडी दी गई है। अगर आप किसी पर्सन को चैंप कैश में ज्वाइन करवाना चाहते हैं और आपका चैलेंज कंप्लीट नहीं है तो भी आप उसको अपने डाउन में ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपका चैलेंज कंप्लीट होगा तो आप ये देख पाएंगे कि किससे मुझे कितनी इनकम मिली। यहां पर अपलाइन आईडी की स्पॉन्सर आईडी दी गई है, आपके ऊपर कौन है, यहाँ पर उनका फोन नंबर भी दिया गया होगा तो आप उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दूसरा, आप चैलेंज के अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चैलेंज के अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो वो शॉपिंग करके भी इनकम कर सकता है। शॉपिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, शॉप एंड अर्न का पूरा पैनल आ जाएगा आप लोगों के सामने। यहां पर चाहे आप अमेजोन से शॉपिंग करें, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें, डोमिनोज से शॉपिंग करें, पेटीएम से बिल पेमेंट एंड रिचार्जेस करें, प्रिंट वेन्यू से शॉपिंग करें, हर एक ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेन्यू पे जब आप जाएंगे, यहां पर आपके सामने पूरी मेन्यू खुली है। इस मेन्यू में आप डैशबोर्ड पर और रिडीम सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। ये तब तक लॉक रहेगा जब तक आप अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर सकते। जब तक आप अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं करते तब तक ये सभी चीजें, ये दोनों चीजें रिडीम और डैशबोर्ड आपका लॉक रहेगा। बाकी की सभी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि माई नेटवर्क, अर्न मोर, इनवाइट एंड अर्न। आइए जानते हैं कि चैलेंज को किस तरह से कंप्लीट करना है। चैलेंज के अंदर 8 से 10 एप्लीकेशन दी गई होती है। इन सभी एप्लीकेशन के आगे इंस्टॉल का बटन या डन का बटन आपको दिखाई देगा। इंस्टॉल का मतलब है कि आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और डन का मतलब है कि आपके फोन में वो ऐप पहले से इंस्टॉल है। अगर डन लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही ऐप को अनइंस्टॉल करना है ना ही दोबारा से इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल लिखा है तो आपको एप्लीकेशन के आगे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो अगली स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन को के ऊपर जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहां लिखा है इंस्टॉल दिस ऐप, Open it for 1 minute. Register is must to get credit. इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसी वक्त 1 मिनट के लिए खोल के देखना है और इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है पैसे लेने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे स्पॉन्सर को। आइए जानते हैं कैसे। यहां पर जो नीचे बटन दिया गया है, इस बटन पर, इंस्टॉल के बटन पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आपके सामने प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट वंस कर सकते हैं। देखिए हमने अमेज़न की एप्लीकेशन के इंस्टॉल पर क्लिक किया था और हम प्ले स्टोर पर अमेज़न की एप्लीकेशन पर आ गए हैं। अब हमें इस एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करना है और उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है और जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर लिखा होगा प्रोसीड। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, मेरे सामने एक पॉपअप खुल चुका है जिसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट और यहां पर यह साफ साफ लिखा है कि इंस्टॉल दिस ऐप एंड ओपन इट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट और अब हमें इसको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर एक टाइमर शुरू हो जाएगा। ये टाइमर इस एप्लीकेशन में 2 मिनट का है। इसका मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन को हमें कम से कम 2 मिनट तक खोल के देखना जरूरी है
और जैमकेश की एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि इस एप्लीकेशन पर हमें साइन अप भी करना है, तो साइन अप करेंगे तो ही स्पॉन्सर को क्रेडिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि साइन अप किस तरह से करेंगे इस एप्लीकेशन में। यहां पर लिखा है न्यू टू अमेजोन क्रिएट एन अकाउंट, तो न्यू टू अमेजोन क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है अमेजोन पर तो आप उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। यहां पर जो भी आपसे यहां पर इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको सभी एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन वन बाय वन डालते जाना है। लीजिए दोस्तों, मैं साइन अप कर चुका हूं और मेरे सामने अमेजोन की एप्लीकेशन खुल चुकी है और लगभग 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब 2 मिनट जब पूरे हो चुके हैं तो मेरे सामने एक और पॉपअप आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप आगे और प्रोसीड करें, और उस बटन को हम प्रोसीड के बटन को क्लिक करते ही हम दोबारा से चैम्पकैश की एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, और चैम्पकैश की एप्लीकेशन में जाने के बाद अमेजोन की एप्लीकेशन पर हमें डन लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, हमने अमेजोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो यहां पर डन लिखा हुआ आ चुका है। देखिए, चैलेंज को कंप्लीट करते वक्त हमें और किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। अगर चैलेंज को कंप्लीट करते वक्त बीच में, अगर आपकी एप्लीकेशन के बीच में आप इंस्टॉल जब कर रहे हैं उस वक्त आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपको चैम्पकैश दोबारा से ओपन करनी है और दोबारा से एप्लीकेशन के लिंक पर जाना है, नहीं तो ये एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन एडवर्टाइजर नहीं मानता। दूसरी आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको एक वाईफाई से एक टाइम पर एक ही मोबाइल में एप्लीकेशंस चैलेंज की इंस्टॉल करनी है। तीसरी चीज, अगर आपके फोन में एप्लीकेशन पहले कभी भी इंस्टॉल थी तो उन एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने पर जो भी पैसा होता है वो एडवर्टाइजर आपको नहीं देता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जैसे हमने अमेजोन की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, इसी तरह से हम ये चैलेंज के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन दी गई है हम एक एक करके इंस्टॉल करते जाएंगे। इस चैलेंज के अंदर मान लीजिए 10 एप्लीकेशन थी, तो हमें 10 में से 9 ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, एक एप्लीकेशन को हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि इस वक्त इस चैलेंज के अंदर भी 10 एप्लीकेशन दी गई है और दो के ऊपर ऑलरेडी डन लिखा रहा है, तो हमें 9 एप्लीकेशन करनी थी और दो पे डन है तो हमें अब 7 एप्लीकेशन और इंस्टॉल करनी। दूसरी बात, अब हम और चैलेंज में क्या कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को यहां से इनवाइट भी कर सकते हैं अपना चैलेंज बिना कंप्लीट किए। पर दोस्तों, चैलेंज जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो भी आपकी इनकम आपके दोस्तों को इनवाइट करने से हुई है तब तक आप उस इनकम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जल्द से जल्द अपना चैलेंज को कंप्लीट कीजिए ताकि आप चैम्पकैश बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमा सके। धन्यवाद दोस्तों।